Welcome in our channel Career Achiever. In this video, we are going to discuss about the introduction of Java. So move up forward. Java is a programming language which is based on object-oriented programming. Oops, language. It is secure, platform independent, and more reliable than other programming language. Java kya hai programming language hai? जो किस पर बेस्ड है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर बेस्ड है. जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बेस्ड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर. ये जो जावा है ये सिक्योर देन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी एंड सी प्लस प्लस. इट इज मोर सिक्योर देन दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. इन द सेंस ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट दैट इट कैन बी रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम एनी प्लेटफॉर्म लाइक विंडो लिनक्स and any operating system. More reliable than other programming languages that Java can be understand easily if you know C and C++. The next point is Java is designed by Sun Microsystems, James Gosling and Oracle Corporation. Java design किसके द्वारा किया गया है? Sun Microsystems. Sun Microsystems द्वारा Java का designation हुआ है. James Gosling जो जावा को इन्वेंट किए थे, जावा को डिजाइन किए थे, उनका नाम जेम्स गॉसलिंग है. एंड ओरेकल कॉर्पोरेशन, ओरेकल कॉर्पोरेशन एक प्रकार की कंपनी है. जिस प्रकार सन माइक्रोसिस्टम भी एक प्रकार की कंपनी थी, लेकिन जनवरी 27 जनवरी 2010 को सन माइक्रोसिस्टम वाज एक्वायर्ड बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन फॉर $7.4 बिलियन. नेक्स्ट पॉइंट, द मेन एम ऑफ डेवलपिंग जावा इन्वेंशन वाज टू राइट वंस रन एनीवेयर. आखिर जावा का इन्वेंशन करने का क्या उद्देश्य था? क्यों जावा को इन्वेंट किया गया? जावा का इन्वेंशन इसलिए हुआ क्योंकि जो उस समय के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे लाइक सी एंड सी प्लस प्लस, उस टाइम में जो वो दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं थे, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थे. अगर हम उनका प्रोग्राम, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर देंगे, अगर हम विंडो पर उनका प्रोग्राम लिखते हैं और अगर जाकर हम उसको रन करना चाहेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर, तो रन नहीं करता था. लेकिन जावा जो राइट वन से किसी जगह पर हमें ओनली वन बार ही प्रोग्राम लिखना होगा और हम किसी भी जगह जाकर उसको रन कर सकते हैं. ये मेन फीचर से एंड मेन उद्देश्य था जावा का डेवलपमेंट के कारण, जावा का इन्वेंशन के कारण मेन उद्देश्य यही था कि एक हम ऐसा प्रोग्राम को डेवलप करें जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो. इसलिए जेम्स गॉसलिंग और उनके टीम के सदस्यों ने इनका जावा नामक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इन्वेंशन किया, डिस्कवर, डिजाइन किया. सो जावा वाज डेवलप्ड इन 1995 बाय जेम्स गॉसलिंग एंड हिज टीम. जावा डेवलप्ड कब किया गया? 1995 को जेम्स गॉसलिंग और उनके टीम में. टीम में उनके कुछ मेंबर्स थे लाइक पैट्रिक नॉक्टन, माइक सेरेडिन, विनोद कोसला, जेम्स गॉसलिंग. इट इज सी इन दैट टीम, वो जो जेम्स गॉसलिंग का जो टीम था उसमें एक भारतीय नागरिक भी थे जिनका नाम विनोद कोसला है. विनोद कोसला IIT दिल्ली के छात्र भी रह चुके थे और वो सन माइक्रोसिस्टम जो कंपनी है, सन माइक्रोसिस्टम जो कंपनी है उनके वो को फाउंडर भी हैं विनोद कोसला. नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट वर्जन ऑफ जावा इज जावा 1.0 व्हिच वाज रिलीज्ड ऑन 23 जनवरी 1996. जावा का जो फर्स्ट वर्जन है वो जावा 1.0 है जो 23 जनवरी 1996 को रिलीज किया गया था. लेटेस्ट वर्जन जो अभी जावा का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है जावा SE 1.15 व्हिच इज रिलीज्ड ऑन 15 सितंबर 2020. जावा का जो अभी लेटेस्ट वर्जन जो मार्केट में लॉन्च हुआ है वो जावा SE 15 है जो 15 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया है. द सिंटेक्स ऑफ जावा इज सिमिलर टू सी सी प्लस प्लस एज इट बिकम इजियर टू अंडरस्टैंड. सिंटेक्स जो जावा का जो सिंटेक्स है वो सी एंड सी प्लस के समान है. अब सिंटेक्स किसको कहते हैं, हम अगली वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे कि सिंटेक्स किसको कहते हैं. सिंटेक्स जो जावा का है वो सी एंड सी प्लस प्लस के कंपेरिजन में सिमिलर है. इसलिए अगर आपको सी एंड सी प्लस प्लस आता है तो आप जावा इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अगर नहीं भी आता है तो जावा डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है, एक
फ्लो, लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज हो फ्लो के रूप में, जिस तरह पानी जब बहता है तो एक फ्लो के रूप में बहता चला जाता है। अगर आप जावा को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। जावा हैज मोर देन 3 बिलियन ऑफ डेवलपर्स। जावा को 3 मिलियन ऑफ डेवलपर्स है अक्रॉस द वर्ल्ड। जावा हैज मोर देन 3 बिलियन ऑफ डेवलपर्स। इट हैज फाइल एक्सटेंशन एज डॉट जावा डॉट क्लास एंड जे आर। जावा का फाइल एक्सटेंशन क्या है, सभी कोई भी हम फाइल अपना पीसी या कोई भी मोबाइल कहीं पर सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है। वो कहाँ से हो रहा है, मतलब किस टाइप का एक्सटेंशन बताता है कि किस टाइप का फाइल है, वो एचटीएमएल फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है, पीपीटी है, प्रेजेंटेशन है या कुछ भी है, उसका एक्सटेंशन उसको डिटरमाइन करता है कि किस तरह का फाइल है। तो जावा का भी जब हम फाइल सेव करते हैं तो उसमें डॉट जावा लगाते हैं या डॉट क्लास या डॉट जार लगाते हैं। ये जो आप फिगर देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, वो फिगर है जेम्स गॉसलिंग का। जेम्स गॉसलिंग जो डिजाइनर डेवलपर जावा के थे, इनको इनका जन्म कनाडा में हुआ था, ये कनाडियन थे और इनका जन्म 19 मई 1955 को जेम्स गॉसलिंग का जन्म हुआ था। और ये जो आप देख रहे हैं फिगर, ये जो फिगर देख रहे हैं जावा का, ये लोगो है, जावा का ये लोगो है। जस्ट लाइक आप देख रहे होंगे ये कॉफी की तरह है, कॉफी की तरह है, मतलब जावा क्यों इसका लोगो इस प्रकार है, ये हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर जावा का नाम जावा क्यों रखा गया है। ये हिस्ट्री में, जावा का हिस्ट्री में आपको पूर्ण रूप से बताया जाएगा कि जावा का नाम आखिर जावा ही क्यों रखा गया और इसका जो लोगो है ये लोगो इस प्रकार ही क्यों हुआ, इसके बारे में आप अगली वीडियो हिस्ट्री में आप देख सकते हैं।